नमस्कार दोस्तों मैं अमन यादव स्वागत करता हूं अपने फार्मेसी चैनल में तो फ्रेंड्स आज, आज हम छोटी सी वीडियो लेके आए हैं एम सी क्यू मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो कि टॉपिक हमारा होगा ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग डिस्कवरी यानी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो फिफ्टीन क्वेश्चन लेके आए तो फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द फेज वन रिएक्शन एक्सेप्ट इसमें से कौन सी जो होती है कि फेस वन रिएक्शन नहीं होती है एक्सेप्ट पूछा गया है तो ऑप्शन देख लेते हैं ए ऑप्शन जो होगा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन बी ऑप्शन जो है हाइड्रोलेटिक रिएक्शन सी ऑप्शन जो होता है रिडक्टिव रिएक्शन है और डी ऑप्शन जो है सल्फाइड रिएक्शन तो फ्रेंड्स आप लोग सोचेगा और इसका राइट आंसर जो होगा सल्फाइड रिएक्शन क्योंकि सल्फाइड रिएक्शन जो होती है ये फेस टू रिएक्शन का पार्ट है तो ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस वन रिएक्शन आर आल्सो नॉन एज आ सिंथेटिक रिएक्शन इसमें ट्रू फॉल्स बताना है फ्रेंड्स कि जो फेस वन रिएक्शन होती है वो क्या सिंथेटिक रिएक्शन होती है तो इसका ऑप्शन दो ऑप्शन दिए यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स बताना है तो इसका राइट right आंसर जो होगा ट्रू यानी कि ए राइट right आंसर होगा क्योंकि जो फेस वन रिएक्शन होती है ये सिंथेटिक रिएक्शन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन से वेयर आर नॉन माइक्रोसोमल्स एंजाइम प्रेजेंट नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जो होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन देख लेते हैं ए ऑप्शन है इन द गोल्जी ऑपरेटस इन साइड ऑफ द लाइसोसोम और सी ऑप्शन है इन द साइटोसोम साइटोप्लाज्म इन सॉल्युबल फॉर्म और डी ऑप्शन जो है हमारा ऑक्सीसोम्स इन ऑक्सीसोम तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा हमारा सी क्योंकि इन द साइटोप्लाज्म इन द सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं जो नॉन माइक्रोथोमल इंजाइमस होते होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स फोर्थ नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ सैलिसिलिक एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड जो है हमारी ड्रग इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है तो ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन देख लीजिए ए सैलिक ए सियलिक एसिड बी जो है सैलिक एसिड सी सैलिसिलिक एसिड डी ऑप्शन सेलिसाइकिलिक एसिड तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा सी क्योंकि सैली एसिड जो होता है वो खुद एक्टिव फॉर्म में ही होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोडीन कोडीन का इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए है कोडीन और बी ऑप्शन जो है हमारा कोडेन और सी ऑप्शन जो है हमारा मॉर्फिन और डी ऑप्शन जो है पॉपी तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा सी क्योंकि मॉर्फिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है कोडीन का नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फ्रेंड्स सिक्स नंबर का द ड्रग बा ट्रांसफॉर्मेशन इज अ डिटॉक्सीफिकेशन प्रोसेस यानी कि ड्रग बायोट्रांसफार्मेशन जो होता है एक डिटॉक्सीफिकेशन प्रोसेस होता है ट्रू फॉल्स बताना है इसका ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा ट्रू ट्रू होगा राइट आंसर यानी कि डिटॉक्सीफिकेशन प्रोसेस होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फ्रेंड्स सेवन नंबर का है वाट मेटाबोलाइज द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक पी ए एच है इसका हाइड्रोकार्बन्स इन बर्न मीट एंड सिगरेट स्मोक तो इसका ऑप्शन सी वाई पी वन ए वन सी वाई पी टू ए सिक्स सी वाई पी टू सी पी सी वाई पी टू डी सिक्स तो फ्रेंड इसका यहाँ पर राइट right आंसर जो होगा ए सी वाई पी वन ए वन फ्रेंड्स तो इसका ये हो गया क्वेश्चन इससे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से एक और एम बन सकता है क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पी ए एच पी ए एच का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो पी ए एच का फुल फॉर्म बताना होगा आप लोगों को तो पी एच का फुल फॉर्म क्या होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर का सी ए डी डी फुल फॉर्म यानी सी ए डी डी का फुल फॉर्म क्या होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं एक पहला ऑप्शन है कंप्यूटर ड्रग डेवलपमेंट दूसरा ऑप्शन है केयर ड्रग केयर एंड ड्रग डेवलपमेंट तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन और सी डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अब तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पर सी कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा नाइन नंबर का फ्रेंड्स फुल फॉर्म ऑफ एन आई एच एन आई एच का फुल फॉर्म क्या होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है नेशनल इंडिको ऑफ हरियाणा बी ऑप्शन जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सी ऑप्शन ए एंड बी वो दोनों होंगे डी ऑप्शन है नन तो इसका राइट right आंसर जो होगा फ्रेंड्स हमारा बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये है बी ऑप्शन राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फुल फॉर्म ऑफ एन सी बी आई एन का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स तो ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है नेशनल नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन बी ऑप्शन जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी और सी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी डी ऑप्शन नन तो इसका राइट right आंसर जो होगा फ्रेंड्स हमारा ए नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन ए होगा राइट right आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स 11 नंबर का एफ डी ए फुल एफ डी ए का फुल नेम क्या होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं ए ऑप्शन फूड डेवलपमेंट एक्टिविटी बी ऑप्शन जो होगा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और सी ऑप्शन जो है हमारा बोथ ए एंड बी बोथ होगा या फिर नन तो इसका राइट right आंसर जो होगा फ्रेंड्स हमारा बी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये राइट आंसर बी हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्वेल्थ नंबर का फेस टू रिएक्शन आल्सो नॉन एज फेस टू रिएक्शन को दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ऑक्सीडेशन कंजुगेशन सिंथेटिक ऑल तो इसका राइट right आंसर जो होगा हमारा बी कंजुगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्टीन नंबर का वेयर आर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम आर प्रेजेंट ये फ्रेंड्स दोबारा हो गया है लेकिन इसका राइट right आंसर देख लेते हैं राइट आंसर जो होगा इन द साइटोप्लाज्म इन सॉल्युबल ड्रग्स नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन नंबर का माइक्रोसोम आर सेलेक्टिव टू माइक्रोसोम आर सेलेक्टिव टू किसके लिए सिलेक्टिव होते हैं माइक्रोसोम जो होते हैं ऑप्शन ए वाटर सोलबल ड्रग के लिए बी ऑप्शन लिपिड सोलबल ड्रग के लिए सी ऑप्शन एसिडिक ड्रग के लिए डी ऑप्शन बेसिक ड्रग के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका राइट आंसर आंसर जो होगा बी लिपिड सॉलबल ड्रग के लिए तो ये जो होता है कि माइक्रोसोम जो होते हैं सिलेक्टिव होते हैं लिपिड सोलबल ड्रग के लिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था हमारा हो इज नॉन एज फादर ऑफ़ मेडिसिन मेडिसिन का फादर कौन है तो ऑप्शन देख लेते हैं ए ऑप्शन फ्लेमिंग बी ऑप्शन हिपोक्रेटस और सी ऑप्शन जो होगा गैलन और डी ऑप्शन अरस्तु तो इसका राइट आंसर यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा हिपोक्रेटस राइट आंसर यही थे फादर ऑफ मेडिसिन के फादर तो इसका और और जो ऑप्शन दिए हैं फ्लेमिंग इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी और गैलन जो थे फर्स्ट फार्मासिस्ट थे अरस्तु अरस्तू जो थे फादर ऑफ़